हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आवर क्रिएटिविटी एंड बी एंड मी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेश कोकोनट बर्फी रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कोकोनट, इसको निकाल के रखा है। अब मैं इसके पीछे के हिस्से का जो ब्राउन पार्ट होता है उसको पील ऑफ कर दूंगी। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, पर अगर पील ऑफ कर देंगे तो उसका कलर वाइट आता है और अच्छा दिखता है। ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे कोकोनट से उसका ब्राउन पार्ट निकाल दिया है। अब इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूंगी और कट करने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर बना लूंगी। ये देखिए, मैंने कोकोनट पाउडर बना लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है और इसको स्टोव के ऊपर बिठा दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 स्पून घी। अब घी गर्म होने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे कोकोनट पाउडर को जो हमने बना के रखा है। कोकोनट पाउडर को डाल के इसको 7 से 10 मिनट्स तक फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम में रख के। कंटिन्यूसली स्टीर करिएगा नहीं तो लग जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3/4 कप शुगर ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर का क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको लो टू मीडियम में रख के कुक करूँगी जब तक कि इसका 80% मॉइस्चर जो है वो चला ना जाए। ऐसे कंटिन्यूसली स्टीर करते हुए इसको कुक करिएगा। ये देख सकते हैं, मेरा कोकोनट जो है ड्राई होने को आ रहा है, इसका 80% मॉइस्चर जो इवेपोरेट हो गया है। अब ये रेडी हो चुका है सेट करने के लिए, बर्फी सेट करने के लिए। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी, किसी भी बाउल में भी आप निकाल सकते हैं। प्लेट में निकाल के मैं इसको एक शेप दे दूंगी से दबा प्रेस करके इसको। अब इसको पीसेस में कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे जैसे कि सेट हो जाए। ये देखिए, 1 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रीज से निकाल दिया है। अब मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए, मेरा जो कोकोनट बर्फी ऑलरेडी सेट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया बना है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको मेरी ऑल लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।